आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने स्ट्रेट किया है एंड क्रिम्प किया है। क्रिम्प भी आप देख सकते हैं कितने अच्छा लग रहा है देखने पे। एंड यहाँ पे मैंने आपको कर्लिंग भी करके दिखा दी है। Hey guys, I am Sneha. So welcome back to my YouTube channel, The Beauty Moods. सो गाइज, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वेगा के हेयर स्टाइलर का रिव्यू। सो मैं इसकी अनबॉक्सिंग अपने पहले की वीडियो में कर चुकी हूँ। एंड गाइज, अगर आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी अपने हेयर अनबॉक्सिंग वीडियो का, तो आप जाकर के चेक कर सकते हो। सो आज मैं करने वाली हूँ रिव्यू के साथ साथ उसका अच्छे से डेमो। एंड जिसमें मैंने बोला था अनबॉक्सिंग वीडियो में अपनी कि अगर आपको मतलब किसी को भी इसका डेमो वीडियो देखना है अच्छे से, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसका वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। सो फाइनली आज मैं इसका डेमो के साथ अच्छे से रिव्यू करने वाली हूँ। एंड मुझे दो तीन लोगों ने बोला था जिनको इसका डेमो देखना था अच्छे से। सो आज मैं इस स्टाइलर का अच्छे से डेमो देने वाली हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि कैसा है हमारा स्टाइलर। सो एज यू कैन सी, इस तरह की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ था। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे स्टाइलर बना हुआ है। एंड इसमें तीन चीज़ें मिल रही हैं, फर्स्ट है स्ट्रेटनर, सेकेंड है क्रिम्पर एंड कर्लर। इसमें तीन चीज़ें हमें मिल रही हैं। एंड चलते हैं अब प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट हमारा कैसा है, सो ये है हमारा स्टाइलर। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इसकी स्वाइवल कॉर्ड से। सो गाइज, ये है इसकी स्वाइवल कॉर्ड। एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं मतलब बहुत कम होती चांसेस इसके टूटने की इस वजह से। एंड ये है हमारा पूरा स्ट्रेटनर एज यू कैन सी। सो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे स्विच टू ऑन ऑफ का जो सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पे हमें LED इंडिकेटर मिलता है जो कि रेड हो जाता है जलने पर। एंड ये ऑन ऑफ का सिस्टम है, ये ऑन हो गया एंड ये ऑफ हो गया एज यू कैन सी। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे मिलता है एक ब्लैक कलर के स्विच मिला हुआ है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इस स्विच से हम ये तीनों स्टाइलर को ओपन कर सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सो एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं इस एक ही स्विच से ये तीनों चीज़ें ओपन होंगी, तीनों चीज़ें एक साथ बंद हो जाएंगी। एंड आपको इस तरीके से प्रेस करके बंद कर देना है। सो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कर्लिंग पॉइंट कहाँ है। सो ये है हमारा कर्लिंग पॉइंट एज यू कैन सी। एंड यहाँ पे आप अपने हेयर को इस तरीके से रोल करो, जो कि अभी आपको मैं डेमो में दिखा दूंगी किस तरीके से इसे आपको यूज़ करना है। एंड ये है इसका स्ट्रेटनिंग पॉइंट एज यू कैन सी। एंड ये है हमारी सेरेमिक कोटेड प्लेट्स जो कि काफ़ी अच्छा इसका वर्क है, मैं आपको अभी डेमो में आप खुद ही देख लोगे। एंड ये रहा हमारा क्रिम्पर एज यू कैन सी, ये है हमारा क्रिम्पर एंड ये स्ट्रेटनर एंड ये कर्लर जो कि यहाँ पे इसे होल्ड करने के लिए एक दिया हुआ है सिस्टम। एंड बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी। एंड इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो है गोल्ड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। एंड इसकी वायर लेंथ बहुत अच्छी है। सो गाइज, मैं इसके अनबॉक्सिंग वीडियो में इसके बारे में सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैंने आज एक बार फिर से आपको बता दिया। जो लोग न्यू हैं, जिन्होंने मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी है, उनके लिए मैंने इसके बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें भी मिल रही हैं। सो गाइज, अब स्टार्ट करते हैं डेमो। सो विदाउट एनी मोर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं डेमो को। तो सबसे पहले मैं आपको अपने हेयर को स्ट्रेट करके दिखाऊंगी। एंड आप देख सकते हैं मैंने इसे प्लकिंग कर लिया एंड ये काफ़ी जल्दी हीट हो गई है। एंड चलिए मैं अपना हेयर वाला ऑप्शन ओपन कर लेती हूँ। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये हेयर स्ट्रेटनर करने के लिए ओपन कर लिया है। एंड मैं यहाँ पे थिन लेयर ले लूँगी हेयर की एंड उसे मैं अच्छे से स्ट्रेट करूँगी। तो आपको इसे बहुत ही केयरफुल होकर करना पड़ेगा बिकॉज इसकी तीनों प्लेट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हीट करने लगती हैं। तो आप इसे बहुत ही अच्छे से स्ट्रेट करिएगा ध्यान में रख के, वरना आप इसे जल भी सकते हो। सो आपको ऐसे धीरे 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 करके इसको ड्रैगिंग मोशन में लेकर आना है। एंड लास्ट एंड हेयर की भी हमें अच्छे से स्ट्रेट करनी है। आप देख सकते हैं एक बार ही मैंने किया एंड कितने अच्छे से स्ट्रेट हो गया है एज यू कैन सी। एंड आप ये हेयर देख सकते हैं, एंड ये मैंने कोई सीरम अप्लाई नहीं किया है, मैं आपको इसे डायरेक्टली ऐसे ही अप्लाई करके दिखा रही हूँ बिकॉज इसका जो सेरेमिक कोटेड प्लेट्स वाला सिस्टम जो है इसमें मैं आपको दिखाना चाहती थी कि आप देखो कितने अच्छे से बिना सीरम लगाए भी अच्छे से हेयर को स्ट्रेट करता है एंड शाइन आ जाती है। आप देख सकते हैं ये वाले हेयर एंड ये वाले हेयर, आप देख सकते हैं दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। एंड ये काफ़ी फ्रिजी से लग रहे हैं, ये एकदम शाइनियर लग रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप जब भी अपने हेयर में कोई भी हीट दें या फिर आप स्ट्रेटनर कर रहे कुछ भी करते हैं तो आप सीरम ज़रूर अप्लाई करिएगा बिकॉज हीट देने से हमारे हेयर में
डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, तो सीरम लगाने के बाद ये होता है कि इतना टाइम मतलब इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं होते हैं हमारे हेयर। अब मैं आपको हेयर को क्रिम करके दिखाऊंगी। सो यू कैन सी मैंने यहाँ पे क्रिम्पर वाला ऑप्शन ऑन कर लिया है एंड मैं यहाँ पे थिन लेयर लेकर के अच्छे से आपको क्रिम्प करके दिखाऊंगी। आपको इस तरीके से रखना है एंड देन इस तरीके से प्रेस करना है यहाँ से। एज यू कैन सी आपको यहाँ से इस तरीके से प्रेस करना है एंड आप इससे ऐसे अपने फिंगर को ऐसे रख सकते हैं एंड प्रेस करना है, छोड़ देना है, प्रेस करना है, छोड़ देना है। इस तरीके से आपको अपने हेयर को क्रिम्प करना है। एज यू कैन सी किस तरीके से ये क्रिम्प हो रहे हैं। एज यू कैन सी किस तरीके से इसने हेयर को क्रिम्प किया हुआ है, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसने क्रिम किया है। मतलब आपका काम बहुत अच्छे से होने वाला है। अगर आपको कहीं जाना है शादी पार्टी में तो आप बहुत ही जल्दी से आपके हेयर डिज़ाइन हो जाएंगे। इसे मैंने एक ही बार किया एंड दोबारा प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। पूरे हेयर पे काफ़ी अच्छे से क्रिम्प हो गया है एंड इट लॉन्ग टाइम तक स्टे रहते हैं। सो अब मैं आपको कर्लिंग करके दिखा देती हूँ। सब बारी है कर्लिंग करने की। सो यहाँ हमें इस मशीन को पूरा ऑफ कर देना है देन उसके बाद कर्लिंग कहाँ से करेंगे हम, इस वाले ऑप्शन से करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ये बहुत ही थिन सी लेयर ली हुई है एंड मैं इसे आपको कर्ल करके दिखाऊंगी अभी। एंड आपको ऐसे लेना है एंड इस तरीके से इसमें ऐसे रोल कर देना है हेयर को, देन ऐसे करके लास्ट पॉइंट जो है इसका इस तरीके से इसमें ड्रैगिंग मोशन में लेकर उसे अंदर कर देना है एंड आप इस तरीके से रोल करेंगे। एज यू कैन सी एंड इस तरीके से, बट प्लीज़ अपने फेस से थोड़ा सा दूर रखिएगा, नहीं आपका फेस जल सकता है। नहीं मेरे हेयर कर्ल हो गए एंड मैं इसे धीरे से छोड़ दूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से ने कर्ल किया है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एज यू कैन सी एंड आपको एक ही स्ट्रेटनर में क्रिम्पर, स्ट्रेटनर एंड कर्लिंग ऑप्शन मिल रहा है, बहुत ही अच्छा है। कौन सा वाला ज़्यादा पसंद आया, स्टाइलर या फिर स्ट्रेटनर या कर्लर या क्रिम्पर, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने स्ट्रेट किया है एंड क्रिम्प किया है। क्रिम्प भी आप देख सकते हैं कितने अच्छा लग रहा है देखने पे। एंड यहाँ पे मैंने आपको कर्लिंग भी करके दिखा दी है। सो दैट्स ऑल गाइज, जैसा कि आपने मेरे डेमो वीडियो में देखा कि इस हेयर स्टाइल का कैसा क्या रिस्पॉन्स है। एंड गाइज अगर आपको इसका कोई भी स्टाइलर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मैं आपको बता दूँ कि ये स्टाइलर बहुत ही अच्छा है एंड ये पर्सनल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसे किसी प्रोफेशनल यूज़ के लिए ले रहे हो तो आप बिल्कुल ही मत लीजिए, बिकॉज इसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपको। एंड अगर आप पर्सनली लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल भी डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हैं। एंड बट इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम है, मैं बताऊँगी आपको कि इसका जो ये जो प्लेट्स हैं ये तीनों एक साथ ही ड्रॉ हो जाती हैं एंड आपको बहुत ही केयरफुल होकर के इसे यूज़ करना पड़ेगा। एंड इसे बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं एंड मुझे इसका एक चीज़ और ख़राब लगी जो कि इसमें है। इसमें आपको सिर्फ एक ही स्विच मिलता है जिससे आपकी तीनों चीज़ें ओपन होंगी एंड बाकी तो सारी चीज़ें इसकी अच्छी हैं। एंड अब मैं बात कर लेती हूँ इसके प्राइस की। तो गाइस इसका प्राइस है 1799 एंड मैंने इसे अमेजोन से बाय किया एंड आप भी इसे किसी भी ऐप से परचेस कर सकते हो। मैं उन सबका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, ना वहाँ से आकर के चेक कर सकते हो एंड आपको बाय करना है बाय भी कर सकते हो। सो आप देख सकते हैं मैंने इसका डेमो अच्छे से आपको क्लियर कर दिया। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपने हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड बेल आइकन का ऑप्शन भी है, उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ एंड आप पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और मैं ये कहूँगी कि आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इंस्टा पर DM भी कर सकते हो। मेरी ID का नेम है द ब्यूटी मोड्स नाम से। सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।